हाय फ्रेंड्स, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वी आर कवरिंग इस बरी हम टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं वो है AWS। जैसे हम सबको पता है कि AWS इज वन ऑफ द ग्रूमिंग टेक्नोलॉजी, बहुत ही रैपिडली बढ़ रही है और नॉर्थ अमेरिका साइड तो ऑलमोस्ट हर कंपनीज अब AWS पे जाना शुरू हो गई हैं। तो इस बरी का एम होगा मेरा कि मैं आप लोगों को AWS का बेसिक बताऊं कि एक्चुअली AWS है क्या, और सेकंड एम होगा कि एक आपको इंस्टांस बनाना है, इस इंस्टांस क्या होता है और कैसे बनता है। इस वीडियो का यही एम है। तो इससे पहले कि हम AWS स्टार्ट करें, जो अमेज़न वेब सर्विसेज हैं, मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो क्लाउड है वो ओपन सोर्स भी है, जिसे हम ओपन स्टैक बोलते हैं, और पेटेंट भी कर रखा है कई कंपनीज ने, जैसे हम अमेज़न बोलते हैं, इवन रेडहैट का क्लाउड है। तो काफ़ी कंपनीज का क्लाउड मार्केट में है, लेकिन जो क्लाउड ने काफ़ी रैपिडली ग्रोथ किया है, जो क्लाउड ने अपनी वीकनेस पे बहुत जल्दी काम किया है, उनमें से एक है अमेज़न। तो अमेज़न ने ऑलमोस्ट हर तरीके से आपको सुविधा प्रोवाइड किया है कि आप हर तरह का क्लाउड को सिक्योर और हर चीज़ क्लाउड पे कमिट कर सकते हैं। जैसे अपने डेवलपर टूल्स बना दिए, सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी कर दिया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डाटाबेस हो गया आपका, कंप्यूट सर्विसेज हो गई, स्टोरेज की हो गई। कंप्यूट सर्विसेज की बात करें तो आपका EC2 हो गया, लैम्डा फंक्शंस हो गया जिसमें आप ऑटोमेट कर सकते हो। अगर S3 की बात करें तो हमारा स्केलेबल स्टोरेज हो गया, जो कि स्टोरेज ऑन द क्लाउड है, कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो। फिर आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, फिर आपका डाटाबेस हो गया जिसमें RDS और DynamoDB का डाटाबेस है। ऐसे आपका क्लाउड वॉच और क्लाउड फॉर्मेशन है, जो हम आगे वाले ट्यूटोरियल्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले सबसे बेसिक, जैसे हम VMware की बात करें तो उसमें बेसिक होता है वर्चुअल मशीन, तो ऐसे अगर हम Amazon की बात करें तो इसमें बेसिक होता है EC2। ठीक है जी, तो ये मैंने लॉगिन किया, मैं EC2 के अंदर चला गया हूँ। अब EC2 एक तरह का है कि EC2 में आप अपने रनिंग इंस्टांसिस दे सकते हो। इंस्टांसिस क्या होता है, एक VMware आप दे सकते हो कि आपका लोड बैलेंसर कितने हैं, इलास्टिक IP, डेडिकेटेड IP, वॉल्यूम्स आपका स्टोरेज हो गया, की पेयर्स होते हैं जिससे आप कोई सर्वर पे कनेक्ट कर सकते हो, जिसे हम पब्लिक की ऑथेंटिकेशन बोलते हैं लाइनअप के टर्म्स में। सिक्योरिटी ग्रुप होता है कि आप कौन कौन से पोर्ट, कौन कौन से फायरवॉल रूल्स उस पे लगाना चाहते हो, तो वो हम सिक्योरिटी ग्रुप। और फिर हमारा हो गया नॉर्मल आपके AMIs होते हैं, अमेज़न मशीन इमेजेस, जैसे आपका एक टैम्पलेट बोल सकते हो VMware में, ऐसे ही AMIs होता है कि हमने एक ISO बनाया जो हम एक कस्टमाइज भी हो सकता है कि हमें बार बार वो सेटिंग्स ना करनी पड़े, एक AMI बना लिया, उस AMI को यूज़ करके इससे हम रैपिड डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं मशीन्स की। चलें हम एक इंस्टांस बनाने की कोशिश करते हैं। कोई भी इंस्टांस बनाने से पहले हम इंस्टांस पे जाएंगे। इंस्टांस पे जाने के बाद यहाँ मैं एक लॉन्च इंस्टांस कर सकता हूँ। इससे पहले कि अगर मैं आपको कुछ बताऊँ, तो मैं ये मैंने एक फ्री टायर अकाउंट बनाया है जिसमें मुझे इजीली मैं इंस्टांस बना सकता हूँ, क्लाउड फॉर्मेशन कर सकता हूँ, अलार्म सेट कर सकता हूँ, और क्लाउड फॉर्मेशन पॉलिसी और ऑटो स्केल पॉलिसी बना सकता हूँ। तो ये हर कोई बना सकता है एक फ्री टायर अकाउंट। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, लॉन्च इंस्टांस लॉन्च करना है। फिर वो पूछेगा कि आप कौन सी AMI चूज़ करना चाहते हो। यहाँ 3-4 तरह की AMIs हैं, आपकी क्विक स्टार्ट में जनरल AMI पड़ी होंगी जो सारे लोग यूज़ करते हैं। अगर आप इनको नीचे देखें, Ubuntu की, विंडोज़ की, RDS की, और आपको पता रहेगा कि कौन कौन सी फ्री टायर के लिए एलिजिबल है, Amazon की खुद, सूजे की। फिर आपका एक आता है माई AMI, जिसमें आपने अपनी कोई AMI डाउनलोड कर रखी है उसमें पड़ी होगी। और फिर मार्केट प्लेस से आप कई तरह की कस्टमाइज AMIs ले सकते हो, जिसमें जेंकिंस हो गया, अलग अलग HVM, स्टील क्लाउड, रेडिस, ये सारी AMIs। चलें मैं एक क्विक स्टार्ट में जाके मैं एक Amazon की मशीन ही बनाता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद वो पूछेंगे कौन सा इंस्टा टाइप चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। इंस्टेंस टाइप होते हैं, जैसे मेरा माइक्रो इंस्टेंस टाइप, नैनो, स्मॉल, और फिर इन टाइप का मतलब है इनकी सब की हार्डवेयर डिफरेंट होगा, VCPU, मेमोरी, इंस्टेंस। बीच में एक ट्यूटोरियल लेंगे जिसमें बताएंगे क्या दो तरह की स्टोरेजेज होती हैं, EBS एंड नॉन EBS स्टोरेज।
ठीक है। और मान लो कि मैंने चुन लिया माइक्रो इंस्टेंस, आप यहाँ से सीधा रिव्यू एंड लॉन्च भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सारे स्टेप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई वांट यू कि मैं स्कैन करवा दूँ सारी ऑप्शंस। ये आपका दूसरा कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल्स, इसमें आप कितने इंस्टेंस बनाना चाहते हो, ऑब्वियसली मैं एक ही बनाना चाहता हूँ। ये आपका नेटवर्क सेटिंग्स के कौन सा नेटवर्क चूज़ करना चाहते हो, यहाँ आप नेटवर्क सेटिंग्स अपना न्यू वीपीसी भी बना सकते हो या डिफ़ॉल्ट वीपीसी बना सकते हो। वीपीसी होता है आपका वर्चुअल पोर्ट कनेक्ट, एक बड़े सबनेट के बीच में अपना वीपीसी बनाना। इस पे भी मैं ट्यूटोरियल भी लूँगा, लेकिन वीपीसी एक आपका हो गया कि कौन सी आईपी रेंज। फिर आपका सबनेट हो गया, सबनेट आप सबनेट वीपी और आईपी ये तीनों नेटवर्क टीम एक्चुअली असाइन करती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरी मशीन कौन सी अवेलेबिलिटी जोन में पड़ी हुई है। फिर मेरा आईएम रोल है, अगर तो आप एडी बैकएंड पे यूज़ करते हो तो आईएम रोल का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एलडीए वगैरह कुछ भी यूज़ करते हो देन आपको आईएम रोल बनाने पड़ेंगे, आइडेंटिटी एंड मैनेजमेंट रोल। उसके बाद शट डाउन बिहेवियर, शट डाउन बिहेवियर के शट डाउन होने पे आप क्या चाहते हो, शट डाउन होने पे टर्मिनेट हो जाए कि स्टॉप हो जाए, फिलहाल स्टॉप करते हैं, ये मैं इनेबल कर देता हूँ प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सीडेंटल टर्मिनेशन। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये होता है क्या एक्चुअली। फिर टेनेंसी का मतलब है कि मेरी मशीन कहाँ पड़ी हो, मेरी मशीन एक शेयर्ड हार्डवेयर पर पड़ी हो कि मेरी मशीन एक डेडिकेटेड हार्डवेयर पर पड़ी हो, राइट। तो मैंने अभी बोला कि शेयर्ड हार्डवेयर पर चाहिए। ये मेरा आपका स्टोरेज टाइप है, स्टोरेज टाइप जैसे रूट, और फिर मैंने बोला एसडीए, और मुझे वो 8 GB मिनिमम रिक्वायरमेंट, वो मुझे एसएसडी बोलेगा कौन सी चाहिए। अगर आप ये आईओप्स भी आप बढ़ा सकते हो, अगर आप मैग्नेटिक लेते हो तो आईओप्स बढ़ जाते हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेस फंक्शन, जिसमें क्या होता है कि आपका लेटेंसी का स्टोरेज वाले आपको इस चीज़ का ज़्यादा बता सकते हैं अगर आप सोच रहे, तो लेटेंसी डिपेंडेंट होती है आपके आईओप्स पे और परफॉर्मेंस आपके आईओप्स पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। अभी मैं रूट वॉल्यूम ही ले रहा हूँ, कोई ज़्यादा वॉल्यूम नहीं। ये आपका स्नैपशॉट है, इस वॉल्यूम का अगर आप स्नैपशॉट लेना चाहते हो तो ये वॉल्यूम वॉल्यूम आईडी याद रखना है। टैग अपनी को टैग कर सकते हो कि ये मेरी लैंप मशीन है, कि ये मेरी कौन सी मशीन है, ये मेरी अपाचे मशीन है, कौन सी मशीन है, ये आप टैग कर सकते हो। और सिक्योरिटी ग्रुप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी ग्रुप, कि मैं कौन सा मेरा इस मशीन पे मैं कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप लगाना चाहता हूँ, मीन्स एक तरह के फायरवॉल रूल्स, कौन सा पोर्ट मेरा कहाँ से खुला हो, कौन सा TCP हो, UDP हो, कौन सी सर्विस अप हो, कौन सा, ये सब डिपेंड करता है आप कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप लेना चाहते हो। मैंने ऑलरेडी सिक्योरिटी ग्रुप बना रखे हैं, जैसे कि मैं डिफ़ॉल्ट वाला लेता हूँ जिसमें मैंने अपना आईपी अलाउ करवा रखा है, ये मेरे आईपी के लिए सब कुछ, ठीक है जी। तो इसमें आप नया भी बना सकते हो, जैसे ये बनाया, तो ये बड़ा मैटर करता है कि आपने कौन से सिक्योरिटी ग्रुप में अपना वीएम प्लेस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं करूँगा रिव्यू एंड लॉन्च, रिव्यू एंड लॉन्च में मुझे सब देखेगा, T1 वाइक्रो मेरा है वो, सिक्योरिटी ग्रुप ये है, सिक्योरिटी आईडी ये है, इंस्टेंट डिटेल्स दे सकते हो यहाँ से, इंस्टेंट डिटेल्स में आपका नेटवर्क आईडी, आपका रैम डिस्क, सारी सेटिंग्स आप दे सकते हो, एक्चुअली देख सकते हो, और स्टोरेज हमें पता ही है, फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ इन केस, ये मेरा स्टोरेज जो हमने लिया था। अभी मैं लॉन्च करूँगा, लॉन्च करने के बाद ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज़ अ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप फर्स्ट टाइम करोगे आपको एक की बनानी पड़ेगी, वो की आपकी एक डॉट PEM में नहीं होगी शायद वो, यस शायद अगर .PEM में हुई तो आपको वो चेंज करनी पड़ेगी की .PPK में अगर पुट्टी में यूज़ करना है, और अगर आपने सीधा जावा कंसोल यूज़ करना है तो आप सीधा .PEM से कर सकते हो। उसका नाम, ये प्राइवेट की आपको संभाल के रखनी है, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल कि मैं ये इसको एक्सेस ले पाऊँ, मुश्किल हो जाता है बाद में। अभी मैं लॉन्च कर रहा हूँ इंस्टेंस, लॉन्च करते हुए आप इसके लॉन्च लॉग देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ जाओगे EC2 में जाओगे, रनिंग इंस्टेंसेस में जाओगे, तो आपको दिखेगा कि आपका एक इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है, तो इसके डिफरेंट होते हैं स्टेटस चेक्स होते हैं, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से स्टेटस चेक कंप्लीट हुआ कि नहीं। अब कंप्लीट होगा तो यहाँ से सिस्टम स्टेटस चेक एंड इंस्टेंस स्टेटस चेक, ये सिस्टम होता है कि वो प्रॉपरली वर्क करता है कि नहीं, इंस्टेंस होता है कि सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सही है कि नहीं। अगर आप इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देखो, इंस्टेंस आईडी, माइक्रो टाइप, स्टेटस चेक इनिशियलाइजेशन, दैट इज़ द की, सेंकेंस पॉल और कब बना वो, तो इस तरह ये आप, ये हमारा जो फर्स्ट ट्यूटोरियल है इसमें हमने बेसिक यही कवर करने की कोशिश करनी है कि इंस्टेंस क्या होता है, इंस्टेंस बनाते हुए क्या क्या रिक्वायरमेंट थी,
और ये आपका पब्लिक आईपी है जो आपके इंस्टेंस को साइन होता है, आप पब्लिक डोमेन से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और मॉनिटरिंग आप इनेबल कर सकते हो, इसकी मॉनिटरिंग इनेबल करोगे तो नीचे साथ साथ ग्राफ बनने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आपका डिस्क्रिप्शन है और इसे यूज़ करना है आपने पुट्टी करते हुए। और हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग यूज़र बन, अलग मीन्स एक जेनरिक यूज़र बता जिसे आप यूज़ कर सकते हो। जैसे रेड हैट में रूट होता है एएम शायद, और अमेजन वाली में EC2 यूज़र होता है, राइट। तो ये आपकी सारी इथरनेट सेटिंग, इथरनेट आप पैक नहीं, तो ये मुझे लगता है अराउंड 4 to 5 मिनट्स लेता है। और उसके बाद ऑलमोस्ट वी कैन डायरेक्टली टेक कंसोल ऑफ दिस, वी कैन डायरेक्टली टेक कंसोल ऑफ दिस VM।